turn one side, stop, front, stop, other side, stop, front, stop. Okay, so this is front view of the patient. Patient question, ये gland है या fat है कैसे पता लगाना है, तो इसके लिए सेल्फ एग्जामिनेशन करना होता है. एक बार निप्पल और निप्पल की देखो, थंब एंड फिंगर के बीच में से प्रेस करो अपने हाथ से. या सो दिस टफनेस, ये जो टफनेस होती है ये ग्लैंडुलर कंपोनेंट की होती है. फैट कैसा होता है, पेट के यहाँ पे पिंच करो. या सो दिस इज सॉफ्ट बट दिस इज ग्लैंडुलर कंपोनेंट टफ. सो टफनेस इज ग्लैंडुलर कंपोनेंट. सो ये ग्लैंड की वजह से होता है, फ्लैश की वजह से होता है. साइड व्यू के अंदर ये जो होता है ये ऐसे प्रोजेक्शन देता है पेशेंट को ये. सो इसलिए आपने देखा होगा सर्जरी के बाद में वो ऐसे स्मूथनेस आ जाती है. वाई, बिकॉज ये चेस्ट की मसल है, इसके ऊपर जो ये जो ग्लैंडुलर कंपोनेंट है, दिस वन, ये दिस वन इज रिमूव. सो हियर वी आर डूइंग बाय लाइपोसक्शन एंड ग्लैंड एक्सिजन. दिस इज स्पेशल अपीयरेंस बिफोर सर्जरी. फिर दिखा दो मेरा. सो पेशेंट इज फ्रॉम मुंबई और या ये सर्जरी होगी विद दिस वेरी स्मॉल इंसिजन. सो हम लोग इंसिजन देखेंगे, इधर दिखाना. सो इंसिजन देखेंगे, सो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 5 to 7 o'clock की इंसिजन होता है, बाकी पूरा निप्पल सेफ रहता है. सो इसको जब बंद कर देंगे सो ये पता भी नहीं पड़ता है कि सर्जरी हुआ है या नहीं. बोथ द साइड एंड ही स्लीपिंग, ठीक है ना. ये दिस इज नोन एज सर्जरी अंडर एनेस्थीसिया, मतलब पेशेंट स्लीप इंड्यूस कर रहा है, उसमें ट्यूब वगैरह नहीं डालते और ये ऐसे उनको ऑक्सीजन से सांस जाती रहती है. सो वंस सर्जरी डन, पेशेंट कैन वेक अप. स्टॉप. ओके, दिस वॉज कल का अपीयरेंस yesterday and this is now. So incision is very small incision से पूरी सर्जरी हुई. यहाँ पे स्किन का रिंकल है जो कि टाइम के साथ में और टाइट हो जाएगा क्योंकि स्किन पीछे गई, इसलिए टर्न वन साइड. साइड व्यू में ये एंगल आ रहा था पेशेंट को पहले, इस तरह का एंगल. अभी एंगल देखेंगे तो स्मूथ एंगल. सो नाउ एंगल इज वेरी स्मूथ, राइट, नेचुरल एंगल बन गया. पहले वो ऐसे आ रहा था, ठीक है. अदर साइड प्लीज, दिस साइड. यहाँ पे भी एंगल पहले ऐसा था जो कि टाइट क्लोथिंग में उनको प्रोजेक्शन देता था, अभी एंगल देखेंगे. सो दिस इज स्मूथ एंगल, नाइस. फ्रेंड में आ, पेशेंट के फॉलो रिजल्ट विल बी ऑन ग्लैंड्स एंड फैट इंस्टाग्राम का. ओके, सो दिस इज आफ्टर वन मंथ हो गया है. अभी निशान दिखाओ निप्पल पे, थोड़ा स्ट्रेच करो. या सो हम लोग देखेंगे, सो देर इज नो निशान, ओनली वेरी मिनिमम. वो भी चल जाए, ऐसा दिखाओ, वेरी मिनिमम. चलो हाथ नीचे कर लो. अब पेशेंट बताएंगे मसाज कैसे करनी, बताओ. राइट एंड निप्पल के पास में कैसे करेंगे, राइट. सो जो इंसिजन होता है उस पर पूरे साइड में और निप्पल के पास में मसाज करनी है, हाथ ऊपर करके निप्पल को स्ट्रेच करके, राइट, निप्पल को स्ट्रेच ताकि वहां पर रिंकल नहीं बने, राइट, वेरी गुड. और दूसरा एक चीज मैंने अभी बताया था ना, करके दिखाओ क्या, पुशअप, राइट. सो फोन रिसीव करना है क्या, नहीं. अच्छा ठीक है. सो नहीं करके मत दिखाओ, जैसे अभी मुझे दिखा था वैसे करना है कि अगर जमीन पे हम लोग नहीं कर सकते तो कोई सरफेस पे 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होके और करना है, पुशअप्स करना इज वेरी गुड. सो दिस इज आफ्टर वन मंथ. एक बार साइड में टर्न करना, साइड में देखेंगे स्मूथ कंट्रोल. अदर साइड स्मूथ कंट्रोल, राइट. सो दिस इज पेशेंट रिजल्ट आफ्टर वन मंथ. ओके पेशेंट के फॉलोअप रिजल्ट ना, ये इंस्टाग्राम अकाउंट है ग्लैंड्स एंड फैट. जब आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे ग्लैंड्स एंड फैट तो ये अकाउंट आ जाएगा. सो यहाँ पे पेशेंट के फॉलोअप रिजल्ट्स होंगे. फॉलोअप मतलब फ्रेश रिजल्ट प्लस फॉलोअप रिजल्ट. सो यहाँ पे आप पिन पोस्ट है, जैसे कि वन मंथ बाद का रिजल्ट है, वन मंथ बाद कैसा दिखता है चेस्ट, देन सिक्स मंथ बाद, वन ईयर बाद, फिर यहाँ पे आफ्टर वन मंथ रिजल्ट है सारे. सो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा और मुझे कोई पर्टिकुलर पेशेंट का रिजल्ट देखना है, तो सपोज मैंने ये देखा, सो मैंने इसको रील को क्लिक करा, देख लिया, राइट. दूसरा क्वेश्चन देखना है सो उस रील को क्लिक करो, यहाँ पे देख लिया, तो वन मंथ के रिजल्ट्स हैं. फिर यहाँ पे जिम करने के बाद पेशेंट ये इंसिडेंट कितना स्मॉल होता है वो वाला यहाँ पे आप देख सकते हो, उसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में फिर हम लोग इसको पूरी रील को देख सकते हैं, राइट. फिर मैं बैक गया, फिर यहाँ पे इसको क्लिक करके इस रील को देख लिया, फिर मैं गया इस रील को देख लिया, फिर इसको देख लिया, ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं, राइट. सो ये देख लूंगा. फिर आफ्टर वर्कआउट कैसा दिखेगा, ये यहाँ पर इस रील को मैंने क्लिक करा और फिर यहाँ पे ये देखा, ये बिफोर पेशेंट का था, राइट. फिर आफ्टर वर्कआउट कैसा दिखेगा, सो इस पेशेंट को देखना, इस पेशेंट का क्लिक करा
और यहाँ देख लिया, यहाँ नीचे जाऊंगा मैं तो यहाँ पे इनकी डेट भी डली होती है कि सर्जरी कब करी थी, हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं। सो पूरी चीज़ ना ग्लैंस एंड फ्रेंड इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगी। सो यहाँ पे ये आफ्टर वर्कआउट पेशेंट के क्वेश्चंस क्या होते हैं वो सारे कॉन्टेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप मैसेज करके कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग गायनेकोमास्ट। यहाँ पर मल्टीपल पेशेंट्स सारे पेशेंट देखने हैं, और मैं प्रेफर करूँगा जिन पेशेंट की सर्जरी हो गई है वो भी डेली 10 पुराने पेशेंट देखेंगे, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं जो कि शायद आप में एक दो इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाया, तो उनके अंदर आप देख लोगे। सो वो इंस्ट्रक्शन सारे पेशेंट्स पे अप्लाई होते हैं। अच्छा, पेशेंट पूछते हैं सर स्टेनिंग का क्या है, जो स्टेनिंग आती है, स्टेनिंग ये टेम्प्रेरी होती है, आप फॉलोअप में देखोगे तो स्टेनिंग गायब हो जाती है, राइट। स्टेनिंग का भी एक क्वेश्चन होता है, सो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं।